Dear students, welcome to Gates Measures. इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट HTTP और इसको समझाने के लिए मैं विद रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। इवन आपको टास्क ही दे रहा हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक सब्सक्राइबर, इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम एक सब्सक्राइबर आपको आज ही के दिन लेके आना है। और अगर आप कर दोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना डन, ताकि मेरे को पता लग जाए, एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। वैसे भी नेटवर्क्स में एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। तो चलिए, परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं HTTP 1.1, नॉन परसिस्टेंट HTTP को बोलते हैं 1.0। ठीक है ना, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम है, इंटरव्यू है, कहीं पे भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। HTTP के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, HTTP, FTP, DNS, POP इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसका लिंक जो है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, परसिस्टेंट का मतलब क्या है, परसिस्टेंट का मतलब है जिद्दी। मतलब कहने का एक सिंपल से पॉइंट से अगर हम बात करें, मतलब एक आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पांस आपको मिल गया, उसके बाद भी कनेक्शन बना रहेगा, कनेक्शन टूटेगा नहीं। नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या है, इसको बड़ी जल्दी है, जैसे ही एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पांस आया, साथ के साथ कनेक्शन को तोड़ दिया। अब हम किस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि HTTP चाहे परसिस्टेंट है नॉन परसिस्टेंट, ये यूज किसको करता है, TCP प्रोटोकॉल को यूज करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करता है, बिकॉज इसको रिलायबिलिटी चाहिए। ठीक है ना, तो TCP को यूज करता है, चाहे आप इसकी बात कर लो या उसकी। और TCP में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनाने के बाद हम एक्चुअल में क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो कनेक्शन बनाना सबसे पहला काम होता है, तो कनेक्शन यहां भी बनाओगे, यहां भी बनाओगे। लेकिन परसिस्टेंट का मतलब क्या है, कनेक्शन बना लिया, एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, अब दूसरे के लिए दोबारा से कनेक्शन नहीं बनाना, दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा, तीसरा भी आपको मिल जाएगा। लेकिन नॉन परसिस्टेंट के केस में एक ऑब्जेक्ट आपको मिल गया कनेक्शन बनाने के बाद, फिर दोबारा से कनेक्शन बनाओ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर दोबारा से कनेक्शन बनाओ, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से काम करता है नॉन परसिस्टेंट। तो देखो, सर्वर लीव्स कनेक्शन ओपन आफ्टर सेंडिंग द रिस्पॉन्स, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इट रिक्वायर्स टू RTT, RTT मतलब राउंड ट्रिप टाइम। तो पहले राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, 2 × प्रोपेगेशन डिले, मतलब आप घर से निकले, घूम घुमा के वापस घर पे पहुंच गए, तो कितना टोटल टाइम लगा, दैट इज अ RTT। और प्रोपेगेशन टाइम क्या होता है, कि आप घर से निकले डेस्टिनेशन पे पहुंचे, दैट इज व्हाट अ प्रोपेगेशन डिले। तो हम प्रोपेगेशन की बात नहीं कर रहे, हम राउंड ट्रिप की बात कर रहे हैं, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से दोबारा सोर्स, मतलब पूरा एक साइकिल आप बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड 1 RTT। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद रखना। अब देखो, यहां पे अगर हम बात करें पहले परसिस्टेंट के केस में, तो काम कैसे करेगा परसिस्टेंट के केस में, लेट से दिस इज क्लाइंट, दिस इज सर्वर। क्लाइंट सबसे पहले क्या बनाएगा, कनेक्शन बनाएगा। कनेक्शन बनाने के लिए उसने एक तरह से रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आया, मतलब पहला एक RTT उसका क्या लग गया, कनेक्शन बनाने में लग गया। ये चीज यहां पे भी एज इट इज काम करेगी, मतलब एक आप कनेक्शन बनाओगे तो उसमें एक राउंड ट्रिप टाइम तो आपका इसमें लग गया। अब उसके बाद क्या होगा, परसिस्टेंट के केस में आपके पास क्या है और नॉन परसिस्टेंट के केस में आपके पास क्या है, लेट से आपने क्लाइंट से, क्लाइंट मशीन से कोई वेब पेज को एक्सेस करना है, क्योंकि HTTP हम क्यों यूज करते हैं, वेब पेज को एक्सेस करना है। अब होगा क्या, लेट से आपने सबसे पहले वेब पेज को एक्सेस करने के लिए कनेक्शन बनाया, बनाने के बाद आप क्या करोगे, जैसे ही कनेक्शन बनाया, सबसे पहले HTML टेक्स्ट फाइल, जो बेस फाइल है, जो वेब पेज का बेस, वो एक्चुअल में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ऑब्वियसली आपने सबसे पहले कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के बाद आपने बोला कि आई नीड द बेस फाइल, तो वो बेस फाइल आपको मिल जाएगी, यानी एक एक्स्ट्रा RTT लगेगा किसके लिए, बेस फाइल के लिए। बेस फाइल जिसको हम HTTP.txt फाइल भी या /txt फाइल भी बोल देते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, कुकीज वगैरह को मेंटेन रखना है, या फिर आपको वेब कैश को मेंटेन रखना है, उसके लिए हेल्प करती है। तो ये दोनों केस में होगा, इसमें भी होगा और आपका इसमें भी होगा। जो बेसिक आपका वेब पेज है, जो बेसिक वेब पेज है, वो एक्चुअल में आपका एक RTT लेगा आने में। गेटिंग द पॉइंट, तो दोनों में यहां तक तो कहानी जो है वो सेम है, बेस फाइल आई, यहां पे भी बेस फाइल आई, एज इट इज काम चल रहा है। अब लेट से इस बेस फाइल में
दो इमेजेस हैं जिनको मुझे एक्सेस करना है, मतलब उस बेस फाइल में, वेब पेज में दो फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको मुझे एक्सेस करना है। तो देखो यहां पे क्या होगा, आपका परसिस्टेंट के केस में क्या होगा, कनेक्शन अभी बना हुआ है, बेस फाइल आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, आपको दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट, चाहे दो फाइल्स हैं, कोई पैराग्राफ है, वीडियो, व्हाटएवर, वो आपका एक आरटीटी और लगेगा। एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो इमेजेस या तीन इमेजेस, सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो ये कहानी इस तरीके से वर्क करती है। लेकिन नॉन परसिस्टेंट के केस में क्या होगा, बेस फाइल आपके पास आ गई, जो आपकी HTTP TXT फाइल आ गई, अब उसके बाद दोबारा से फिर कनेक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब एक RTT फिर लगेगा, कनेक्शन आप दोबारा से बनाओगे। अब उसके बाद आपको इमेज नंबर वन, क्योंकि आपने पहले एक इमेज को एक्सेस किया, तो एक इमेज आपकी आएगी, एक RTT उसमें लगेगा। मैं यहां पे ट्रांसमिशन टाइम काउंट नहीं कर रहा, आप ट्रांसमिशन टाइम को भी काउंट कर सकते हो, बिकॉज ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, मैसेज साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो ऑब्वियसली जो भी मैसेज का ट्रांसमिशन टाइम है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको राउंड ट्रिप टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। तो इमेज वन आपको इस तरीके से मिल जाएगी, जो पहली इमेज है। अब क्या होगा, आपको एक और इमेज को, एक और ऑब्जेक्ट को लेट से एक्सेस करना है, तो दोबारा से फिर कनेक्शन बनाओगे, दोबारा से फिर एक RTT लगाओगे, फिर आपको दूसरी इमेज मिलेगी। गेटिंग द पॉइंट नोट? तो कहानी आपके दिमाग में आई थिंक क्लियर कट आ रही होगी, विजुलाइज आप कर पा रहे होगे कि डिफरेंस क्या है परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट के बीच में। तो ये एक्चुअल में फर्क है, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स आपका यहां पे, मतलब एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आया, दोबारा से फिर कनेक्शन बनाओ, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आया, दोबारा से फिर कनेक्शन बनाओ, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली आपको लग भी रहा होगा ओवरहेड किस केस में कम होगी, ऑब्वियसली इस केस में ओवरहेड कम होगी, यहां पे ओवरहेड ज्यादा होगी। और वैसे भी अगर हम बात करें, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोर की बात कर लो 7 की, या फिर आप गूगल क्रोम की बात कर लो, फायरफॉक्स की बात कर लो, ओपेरा, ये सारे के सारे एक्चुअल में परसिस्टेंट को ही यूज करते हैं। ऑल्दो इसमें हम पैरेलल कनेक्शंस का फंडा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही है। तो इसमें होता क्या है, परसिस्टेंट के केस में भी ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम के लिए, फॉरएवर नहीं। जैसे अगर हम बात करें फायरफॉक्स वगैरह की, तो उसमें क्या है कि 120 या 125 सेकंड का आइडल टाइम होता है। अगर आप उतनी देर के लिए आइडल रहते हो, तो ऑब्वियसली फिर वो कनेक्शन को टर्मिनेट भी कर सकता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, मे बी आपको इंटरव्यूज वगैरह में कहीं पे पूछ लें। तो ये वाला आपका 20% आप कह सकते हो मोर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसमें बार बार कनेक्शन जो है वो बनाने पड़ रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस आ जाता है परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट HTTP का। थैंक यू।